अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाई करना क्या चाहते हो? उनको बोल दिया कि हम कहना को वापस लेकर जाएंगे, कैसे करोगे ये सब? आज कहना को बताने वाला हूं कि मेरी और आलिया की शादी होने वाली है। क्या? हाँ, ये सच सुनते ही वो खुद मुझसे दूर चली जाएगी। उसकी और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। भाई डिसाइड ही कर लिया है तो सोच समझ के ही किया होगा, पर जो भी करना है जल्दी करो। आरती और स्थापना में इतना टाइम निकल चुका है कि घर वाले और बुआ जी भी घर पहुंचते होंगे। उससे पहले कि उनका फोन आए हमें भी निकलना होगा, समझे? ऐसा लग रहा है विघ्नहर्ता गणपति जी, आप हमें हमारी सारी मुसीबतों से निकाल रहे। हमरे और डॉक्टर बाबू के रिश्ते में जो भी विघ्न आ रहे हैं उन्हें दूर कर रहे। शायद सच में वो हमें अपनी पत्नी मानने लगे। तभी तो उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर वादा किया है कि वो हमें वापस ले जाएंगे। गणपति जी, मुझे बस एक मौका दे दीजिए ताकि मैं कहना को अपने और आलिया के रिश्ते के बारे में सच बता सकूं। मैं नहीं चाहता कि वो अपने दिल में कोई झूठी उम्मीद सजाए जिसके टूटने पे उसे और ज्यादा तकलीफ हो। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। शुक्र है उस गहना से हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट गया। अब उसकी शक्ल ना जिंदगी में कभी देखनी नहीं पड़ेगी, बता देते हैं। बिल्कुल सही जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। वो लड़की इसी लायक है कि वो हमेशा गांव में ही रहे, और वैसे भी हमें ना उस लड़की का नाम इस घर में लेना ही नहीं चाहिए। बोलो मत सुनो, अब वो खेला खत्म हो गया। वो लड़की का नाम का जिक्र हमको इस घर में नहीं चाहिए, समझे सब? ए चकोरिया जी। कमला, गणपति जी के आगमन की तैयारी करनी है, सब पूजा उजा की तैयारी कर लो दोनों, समझे? अरे अंकल, आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अंकल आप हमारे साथ खपुरिया गांव क्यों नहीं चले? वो यहाँ हॉस्पिटल में कुछ काम था, मेडिकल इमरजेंसी, उसी तो यहाँ रहना जरूरी था। अब तो वैसे भी घर में इतनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी, इतने सारे फंक्शंस आ रहे हैं, आयुष्मान का बर्थडे, फिर गणपति जी का आगमन। अरे हाँ हाँ, गणपति जी के आगमन की तैयारी, तुम्हारे आयुष का हैप्पी बर्थडे, सब कुछ धूमधाम से मनाएंगे, समझी? आयुष्मान का जन्मदिन सबको याद है, पर मेरी बेटी जिन्नी का क्या?
किसी को याद नहीं कि मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बेटी का भी जन्मदिन उसी तारीख को आता है? ये कैसी बोरी है? बोलिए डॉक्टर बाबू, आपको क्या कहना है? कहना मुझे तुम्हें कुछ बताना है। डॉक्टर बाबू, अभी आपको कच्चू भी कहने की जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा दिल से दिल का कनेक्शन जो है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत। चुप रहोगी तुम? कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। तुम हंस क्या रही हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, हम सुन रहे हैं। पर तुम हंसना बंद क्यों नहीं कर सकती? अरे आप हमारे ऐसे हाथ पकड़ेंगे, इतने करीब आकर हमसे बात करेंगे तो शर्म तो आएगी ना, और हमें जब शर्म आती है तो हमारी हंसी निकल जाती है। क्या कहना, तुम समझ नहीं रही हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अरे समझेंगे काहे नहीं, हम छोटे बच्चे का कतों से तो यही लग रहा है। हाँ? भी बोला आपने, दोबारा ऐसा मत बोलना। आपको पता नहीं है का? बाल विवाह गैर कानूनी होता है, आपको जेल भी हो सकती है। तुम ना? हमें पता है डॉक्टर बाबू, अभी आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जिम्मेदारी निभाते निभाते आपको भी अब एहसास हो गया इस रिश्ते का, है ना? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम सुनोगी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब हम नहीं हंसेंगे, हम आपकी पूरी पूरी बात सुनेंगे। कहिए। मैं तुम्हें आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। चलो तुम चलो बाहर खेलने चलो। घर में कुछ पुराना टूटा फूटा सामान पड़ा था, वही फेंकने जा रहा था। मैं देख लेती हूँ अगर कोई काम का सामान ना रह गया हो। कमला जी, इतने साल आपके साथ रहने के बाद मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। कमला, तुमको जो बोला जाए वो काम तो तुम ठीक से करती नहीं हो। ये काम ई कर लेगा, तुम जाके गणपति जी के आगमन की तैयारी करो, समझी? आइए आइए आइए, हम भी आते हैं। वाह भाई, आप उसे सच बताने गए थे जिससे आप उसे दूर जा सके, बल्कि आप उसके और करीब चले गए। अरे मैंने जानबूझकर नहीं किया है कुछ। जानबूझकर नहीं किया? मजाक चल रहा है क्या? वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा था कि डॉक्टर बाबू ने पप्पी कर ली, डॉक्टर बाबू ने पप्पी कर ली।
तू समझ नहीं रहा है। अरे यार अब ये सब छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। कहना अकेली, घर वाले बाहर गए हैं, अभी के अभी उसको जाकर सब कुछ सच सच बताओ और खत्म करो से हमेशा हमेशा के लिए। इससे पहले कि कहना के घर वाले वापस आए, मैं तुरंत जाकर कहना को आलिया और मेरी सारी सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि ना ही मैं कहना को धोखा दे सकता हूँ और ना ही आलिया को अंधेरे में रख सकता हूँ और साथ साथ परिवार के मान को भी ठेस नहीं पहुँचने दे सकता। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।